हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने गार्डन के कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर के आई हूँ राजस्थान के चूरू ज़िले में श्री सालासर मंदिर में, जो कि सीकर के बिल्कुल पास में स्थित है। यहाँ पक्षियों, स्पेशली गोरियाँ की कॉलोनी जो है फुल एंजॉय कर रही है। ये आप देख पा रहे हैं खेजड़ी, जिसको कि राजस्थान में कई मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और ये स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान भी है। ऐसा मनोरम दृश्य, ये पक्षियों का कलरव देखा तो सोचा कि ऐसा दृश्य हम अपने गार्डन या अपने घर के आसपास के पेड़ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बालाजी के दर्शन के साथ साथ ही ये दृश्य देखा तो रहा नहीं गया और सोचा कि वीडियो बना लूँ, आप लोगों को भी ये प्यारा सा दृश्य दिखाऊँ। कोटि कोटि प्रणाम है सालासर मंदिर के ट्रस्टीज़ को, जिन्होंने देखिए ये प्यारे प्यारे लकड़ी की आवाज़ यानी घोंसले, और ये देखिए सुराहीदार बर्तन पक्षियों के एंजॉयमेंट के लिए लगाए हैं, और काफ़ी मात्रा में बर्ड फीडर बड़ी संख्या में एक ही पेड़ पर लगाए हैं। अब इन पक्षियों को रेनी सीजन में माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये यहीं मंदिर परिसर अर्थात इस जाटी के पेड़ पर अपनी सुरक्षा और बचाव कर पाएंगे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सभी पर गोरैयाँ अपने अपने घरों के बाहर बैठी है, जैसे कि अपनी एक कॉलोनी अपन डेवलप कर लेते हैं कि हर घर ये मेरा है, ये मेरा। तो इन्होंने भी देखी बड़ी संख्या में ये कॉलोनी विकसित हो गई है यहाँ पे, और बहुत सारे आपको ये गमले साइड में थोड़े से गमले भी इन्होंने लगा रखे हैं, और ये घोंसले आप देख पा रहे होंगे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर सचमुच मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, और ये चिड़ियाओं का कलरव बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी आप सभी सज्जनों देवियों से ये अपील है कि इस समर सीजन में, इस गर्मी के सीजन में ये प्रयास आप भी अपने गार्डन में करें, अपनी गली मोहल्ले नुक्कड़ पर करें। यकीन मानिए, आप इनकी आवास बसाओगे, इनकी कॉलोनी डेवलप करोगे, तो आपको भी ईश्वर अल्लाह काफ़ी खुशियां देगा, काफ़ी बरकत देगा। फ्रेंड्स, मैं भी ये शुरुआत करने जा रही हूँ, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है, तो मैं भी बर्ड फीडर और वाटर फीडर दोनों लगाऊंगी, और साथ में पक्षियों के एंजॉयमेंट के लिए अगर आप मार्केट से नहीं ला पाओ तो जो गत्ते के डब्बे होते हैं बड़े बड़े, उनमें इस तरीके से होल करके सामने लकड़ी का डंडा लगा करके इनके लिए इस तरीके की कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सालासर बालाजी धाम, जय श्री चूरू धाम, जय श्री सालासर बालाजी धाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।